प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एच हब्बानसर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। हमने इससे पहले की वीडियो में अध्ययन किया था प्रकाश धारा प्रभाव के बारे में। तो प्रकाश धारा प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं शॉर्ट के अंदर, कि जब किसी धात्विक पृष्ठ पर हम विशिष्ट आवृत्ति का यह उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके सतह से बाहर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, इसकी परिभाषा है। आज हम इसकी नियम के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके नियम क्या क्या है, तो सब ध्यान देखेंगे। देखो, इसका पहला नियम क्या है? इसका पहला नियम यह है कि जब किसी धात्विक पृष्ठ के ऊपर, जब किसी धातु के पृष्ठ के ऊपर हम अधिक तीव्रता का प्रकाश डालते हैं, तो धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी हम जितनी तीव्रता का प्रकाश डालेंगे धातु की सतह पर, उतनी ही मात्रा में, उतनी ही तेज गति से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में से धारा प्रवाहित होती है, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जो प्रकाश विद्युत धारा है ये आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, क्योंकि हम जितनी तीव्रता बढ़ाएंगे उतनी ही तेज मात्रा में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश विद्युत धारा है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, क्योंकि हम तीव्रता बढ़ाते हैं, तीव्रता बढ़ाने पर उतनी ही मात्रा में, अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन से धारा प्रवाहित होती है, धारा का मान डिपेंड होता है तीव्रता के ऊपर। हम सेकंड, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो जो प्रकाश विद्युत धारा है ये निर्भर करती है किस पर? प्रकाश की तीव्रता पर। हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ की बात करें, किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ, आपने पहले वीडियो में चर्चा की थी कि प्रकाश सुग्राही पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दृश्य प्रकाश पर भी प्रकाश धारा प्रभाव को दर्शाते हैं। तो किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के लिए, किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के लिए प्रकाश संतृप्त धारा, जी हाँ, प्रकाश संतृप्त धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, लेकिन लेकिन निरोधी भाव का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो दूसरा नियम हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश संतृप्त धारा है, प्रकाश संतृप्त जो धारा है, ये धारा समानुपाती होती है किसके? आपतित आपतित प्रकाश की तीव्रता के, समानुपाती होती है। यह हमारा नियम दूसरा है। नियम तीसरा हमारा यह है कि यदि हम दहली आवृत्ति से, यदि हम दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालें, यानी यदि आपतित प्रकाश दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का हो, तो आवृत्ति का मान बढ़ाने पर, आवृत्ति का मान बढ़ाने पर विभव का मान भी बढ़ जाता है। यानी यदि आपतित प्रकाश दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का हो, तो आवृत्ति का मान बढ़ाने से निरोधी विभव का मान भी बढ़ जाता है, लेकिन निरोधी विभव का मान प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता है। और
नंबर चार पे चौथे चौथा पॉइंट जो था ये है कि जब हम किसी धातु पृष्ठ पर दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश हम डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर आने में कोई समय पश्चाताप नहीं होती, यानी कोई समय नहीं लगता, ये यूं कहें बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही नगण्य समय लगता है। ये चौथा नियम है। नियम चौथा क्या है? यदि किसी धातु पृष्ठ पर हम दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर आने में बहुत नगण्य समय लगता है, न के बराबर, यानी कोई समय पश्चाताप नहीं होती है। ये चार नियम है। आगे हम बात करें कि प्रकाश विद्युत जो प्रभाव है इसकी महत्वपूर्ण शर्तें क्या क्या होती हैं। इसकी पहली शर्त तो ये है, इसकी पहली शर्त ये है कि आपतित फोटोन की जो आवृत्ति है वो दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि हम धातु पृष्ठ पर जब प्रकाश डालते हैं तो धातु के बद्ध इलेक्ट्रॉन, धातु के अंदर जो बद्ध इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो बद्ध इलेक्ट्रॉन संपूर्ण फोटोन की ऊर्जा का अवशोषण करने चाहिए, मतलब वो संपूर्ण ऊर्जा ग्रहण करने चाहिए। ये इस प्रभाव की दूसरी शर्त होती है। तो पहली शर्त तो क्या थी कि दहली जो आवर्त, यानी आप प्रकाश जो आवृत्ति है उस आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। और सेकंड शब्द क्या है कि जितना हम प्रकाश डालेंगे, जितना फोटोन डालेंगे उस फोटोन की सभी संपूर्ण ऊर्जा उस धात्विक सतह के बद्ध इलेक्ट्रॉनों द्वारा ग्रहण करनी चाहिए, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों उस ऊर्जा का अवशोषण कर लेने चाहिए। तो इसकी शर्त है। तीसरा पॉइंट हम इसमें कि न्यूमेरिक आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल की बात करें, देख रहे आप इसमें सोडियम धातु के लिए आपको दहलित तरंग दैर्ध्य का मान दे रखा है, हमें इसका कार्य हरण का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको? तो ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें हमें दहलित तरंग दैर्ध्य हमें इसमें दिया है दहलित तरंग दैर्ध्य, यानी लैम्ब्रा नॉट, ये होता है दहलित तरंग दैर्ध्य का मान दिया है 1500 एंगस्ट्रा, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें कार्य हल ज्ञात करना है, वो किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ज्ञात करना है। अब देखो अपन जानते हैं, अपन एक संबंध पढ़ा था, हम जानते हैं कि जो आवृत्ति होती है आवृत्ति न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमड़ा, यानी आवर्ती प्रकाश का वेग और तरंग दैर्ध्य में संबंध पाया जाता है। यदि अब ये दहली आवर्ती हो तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, दहली तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। और सी प्रकाश का वेग है ये तो नियत रहेगा, अपन जानते हैं कॉन्स्टेंट है, नियत रहता है। अब देखो हमें क्वेश्चन में इसका मान दिया है सी प्रकाश का वेग, सब जानते इसका मान नियत होता है, सी बराबर कितना होता है 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकेंड, तो अपन सी को मान रख लेंगे यहाँ पे, दिया जाएगा न्यू नोट बराबर 3 × 10^8, इसका मान रख दो 1500। आप देखो एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज कर लेंगे, कैसे, चूंकि 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10^-10 मीटर, तो इसको एंगस्ट्रम से मीटर में चेंज कर लेंगे, इससे गुणा कर देंगे 10^-10 से, सॉल्व करेंगे इसको, देखो पावर ऊपर ले जाएंगे, घात हो जाएगी प्लस में, 3 से काट दो इसको, तो न्यू नोट बराबर ही हो गया, ऊपर तो पावर देखो ऊपर प्लस हो जाएगी, 10 + 18 तो ऊपर होगी 10^18 और नीचे नीचे बच गया 500, ठीक है। अब ऐसा करते हैं अपन, ये 10^18 है, अगर इसको हम ऐसे लिखते न्यू नोट बराबर 1000 × 10^3 लेस कर दो 15, अब 15 × 18 की बात है, बटे 500, 1000 500 भाग लगा दो
कितनी बार भाग जाएगा, दो बार, दो बार भाग गया तो यहाँ गया न्यू नोट बराबर 2 × 10 की 2 × 10 की पावर 15। ठीक है, ये हमारी आवृत्ति आ गई 100 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है कार्य फलन। तो अपन जानते हैं कि कार्य फलन का सूत्र क्या होता है, वो होता है फाई नोट बराबर एच इंटू न्यू नोट। अब एच प्लैंक नियतांक का मान फिक्स होता है, ये दोनों मान रख देंगे तो फाई नोट बराबर ये आ जाएगा एच का मान 6.62 या 6.3 × 10 की पावर −34, और इसका मान रख दो 2 × 10 की पावर 15। देखो ये तो मान जूल में आ जाएगा, यहां तक तो इसको सॉल्व कर लेंगे गुणा करके। यहाँ पे जो मान आई तो आ जाएगा किसके अंदर, जूल के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं हमें मान किसके अंदर याद करो, ईवी के अंदर। ईवी बोलते इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको मान अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है तो अपन इसमें भाग लगा देंगे किसका, इलेक्ट्रॉन के आवेश का। यह आ जाएगा फाई नोट बराबर 6.62 या 6.3 × 10 की पावर −34 × 2 × 10 की पावर 15। इसमें भाग लगा दो 1.6 × 10 पर −19। अब ये आ जाएगा ईवी के अंदर। हमने जूल से ईवी में कैसे बदला, हमने इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग लगा दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करने पर ये माना जाएगा 8.27 ईवी, ये इसका मान आ जाएगा इसको सोल्व करने पर। तो ये हमारा आंकड़ा प्रश्न था और ये हमारे नियम थे, आप सब समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।